तो डांस करने के बाद म्यूज़िक सब कुछ ख़त्म हुआ और अभी खाना खाने आ गए हैं. सो इट वॉज़ अ वेरी यमी फूड. वेजिटेरियन में भी बहुत सारी डिशेज थे, जैसे पनीर था और कुरमा था, बहुत सारी डिशेज थे. और नॉन वेज में मटन भी था. जिन लोग मटन नहीं खाएंगे वो चिकन खा सकते हैं, बट मटन करी वॉज़ वेरी यमी. एंड वो जो खीर बना गया था वो बहुत ही यमी था, मैं दो बार खाए हूँ. वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किए थे. स्पेशली वी शुड गिव अ क्लैप टू द वॉलंटियर्स बिकॉज दे हैव अरेंज so such nicely for a huge number of people. It may be 200 or nearly 300 people. So बहुत ही अच्छा था और ये पहली बार मेरा experience था इतने उड़ियाज को देखते हुए. और वहाँ कुछ नए दोस्त भी बने और बच्चों का भी नए दोस्त मिले. So it was a very good day with all the music, food, fun, all happened. And you could see the plates here. These are the vegetarian dishes. वो अलग साइड में था. बहुत सारी डिशेज हुआ था, मुझे तो नाम भी याद नहीं है क्योंकि सब कुछ खा नहीं पाई थी. जितना लाई थी वो खाई थी. ये सेपरेट हुआ था, एक वेज एक नॉन वेज शायद. और वहाँ पे एक अच्छा वाला सीनिक व्यू था जो कि आप देख सकते हैं. मुझे ये वाला व्यू बहुत ही अच्छा लगा. माउंटेन्स, रिवर, उसके अंदर एक आइलैंड की तरह है, ट्रीज हुआ है. एंड द मेन अट्रैक्शन वाज़ द डक. सो बहुत ही अच्छा लग रहा था और थोड़ी थोड़ी सी हवा रही थी. तो हम कुछ दोस्त वहाँ पे बैठे थे एंड वी वर एंजॉइंग देयर, क्योंकि तब खाना स्टार्ट हो गया था और हमारा हो गया था, इसलिए हम आके थोड़ा यहाँ पे बैठे और कुछ फोटोज लिए. अच्छा लगा. यहीं पे बैठे हैं खाके और आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू है. तो यहाँ पे थोड़ी सी हवा खा रहे हैं, पूरा टायर्ड है क्योंकि गर्मी आज बहुत ही हो रही है. तो आप देख सकते हैं क्या कैसे दिख रहे हैं हम. So after the food, so everyone started to play the card game. वो 29 cards कुछ था, मुझे तो पता नहीं उस cards के, मुझे कुछ भी idea नहीं है. So वो चल रहा है अभी.
और उसके साथ बिंगो भी है जिस जो मुझे आता है, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरा कुछ भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में आना था, कुछ भी वैसा नहीं आया। जो भी आने वाला था वो सब कुछ चला जा रहा था। तो फाइनली मैं सब कुछ सब नंबर्स में होल करती रही और उसके बाद आ गए। और डिसली तो पूरा मर्ड में थी, वो अपने आप ही खेल रही थी। उसे देख के इतना सब कोई हंस रहे थे, उसका फोटो ले रहे थे, वो पूरा मड हो गई थी। और इवनिंग में चाय तो बनता ही है और चाय के साथ पकोड़ा भी बनता है, तो इसीलिए चाय बन रही है अभी। जिंजर और ब्लैक पेपर का बहुत ही टेस्टी बना था और उसके साथ पकोड़ा भी बन रहा है। सो पहले हम जाके थोड़ा सा चाय पिए, उसके बाद पकोड़ा जब आया फिर से मैं और एक बार फिर से चाय और पकोड़ा फिर से खाई। पकोड़ा भी बहुत ही अच्छा बना था, जैसा लगा कि पूरा दिन का ब्रेकफास्ट लंच और स्नैक्स सब कुछ हो गया और बहुत ही अच्छा हुआ था। सो इतने लोगों के लिए प्रिपेयर करना और बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करना, वो जो खाना सब था, आई थिंक इट्स अ हैट्स अप जॉब टुडे। सो ये अभी पकोड़ा बन रहा है, आप देख सकते हैं कितना यमी दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही क्रंची और टेस्टी था और स्पाइसी भी था, जो कि बहुत ही अच्छा टी के साथ लग रहा था खाने में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। तो चलिए, वाओ, यू लव इट, इट वाज अ गुड डे, इट वाज अ फन डे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपने एंजॉय किया है हमारे साथ। सो सी यू देन विद आवर नेक्स्ट ब्लॉग कमिंग सून। सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Bye everyone. Take care. Stay happy and healthy. See you soon. Bye bye. Bye bye.